नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस में। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके किए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम साइंस के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए तीन तरह की इकाइयां यहां पर लिखी हुई हैं, एक CGS यूनिट्स लिखी हुई हैं, एक FPS मेथड है और तीसरा आपका MKS मेथड है। ठीक है, तो CGS पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होगा, सही है। आपका FPS में फिट, पाउंड और सेकेंड होगा, ये भी सही है। और MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होगा, ठीक, तो ये भी सही है। तीनों ही यहाँ पर सही है, आंसर डी होगा। अगला देखिए, किसी सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किन यंत्रों का उपयोग किया जाता है, अमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर। तो देखिए जो वोल्टमीटर है वो आपका क्या है, उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और आपका जो अमीटर है वो क्या है, निम्न प्रतिरोध वाला है, ठीक है, निम्न, तो और गैल्वेनोमीटर तो है ही है, ठीक, तो तीनों ही इसके आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए गीगर, मूलर, जीएम काउंटर के बारे में है एक, और दूसरा कैलोरीमीटर के बारे में, ठीक है। तो जीएम काउंटर एक यंत्र है जो रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापने या ऊष्माधारिता मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरा है आपका कैलोरीमीटर, एक यंत्र है जो आयनकारी विकिरण की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, ठीक। देखिए दोनों ही इंटरचेंज किए गए हैं, ठीक है। गीगर मूलर काउंटर ये है आयनकारी वाला और कैलोरीमीटर ये है, ठीक, तो दोनों ही गलत होंगे यहाँ पर, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो आपकी सुपरसोनिक स्पीड होती है उसकी जो माप है उसको क्या मैक नंबर की सहायता से किया जाता है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, यह वास्तव में किसी तीव्र गति से चलने वाले वायुयान यानी कि जैसे कि लड़ाकू विमान हो गए, इनकी गति की तुलना ध्वनि की चाल से करने वाला एक अनुपात है, ठीक, तो ये भी सही है, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए आवृत्ति है जो उसका यूनिट होती है आपकी हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज हो गई, आपकी जो अर्थक्वेक होता है उसकी इंटेंसिटी की यूनिट होती है आपकी रिक्टर, और समुद्री जहाज की गति, शिप की जो स्पीड है वो नॉट में नापी जाती है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। वायुमंडलीय दाब का मतलब होता है किसी भी दिए गए स्थान और समय पर वहां की हवा के स्तंभ का भार, ठीक, सही स्टेटमेंट है। वायुमंडलीय दाब है जो वो हाइड्रोमीटर नहीं है, वो है आपका बैरोमीटर, ठीक, तो ये वाला गलत होगा। अगला देखते हैं, समुद्र तल पर वायु दाब का मान है जो वो पारे के मतलब मरकरी के 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, दूसरा गलत है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 2 लीवर, ठीक है, क्लास 2 लीवर जो है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनमें भार है जो वो कहाँ पर होता है, सेंटर पे, मध्य में, ठीक है, और इधर उधर क्या है, सपोर्ट होते हैं किनारों में, ठीक है, किनारों में सपोर्ट होते हैं, बीच में ये इस तरह का एक बार होता है, तो इसमें पूछ रहे हैं इनमें से कौन से हैं। देखिए नट क्रैकर, सरौता जिससे सुपारी वगैरह काटते हैं ना वो, ठीक है, बीच में उसमें हिंज लगा होता है, ठीक है, इधर से काटते हैं, ओके, व्हील बैरो, ठीक, तो तीनों ही हैं, और उसके अलावा आप कैंची ले लीजिए, कैंची, ठीक, ये सब सेकेंड क्लास के लिवर के एग्जाम्पल्स हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी, तीनों ही सही है। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए किसी वस्तु का जो भार है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो सकता है, किंतु जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो आपका स्थिर होता है, ठीक, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, किसी वस्तु का भार विषुवत रेखा पर अधिकतम और ध्रुवों पर न्यूनतम होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ गलत है, क्योंकि मिनिमम होता है कहाँ पर, इक्वेटर पर, ठीक, और मैक्सिमम होता है आपका पोल्स पर, तो ये वाला गलत है, आंसर हो जाएगा ए।
संचयन सेल होता है जो उससे संबंधित कथनों पर विचार करें। संचयन सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं, ठीक है, रिचार्जेबल सेल। और यह सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक मतलब केमिकल एनर्जी से में कन्वर्ट करके ऊर्जा का भंडारण करता है, तथा इसके बाद क्या करता है कि जब इसका उपयोग किया जाता है तब यह सेल भंडारित रासायनिक ऊर्जा है जो जो इसने जमा की है उसको फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ठीक, तो ये वाला आपका सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, गतित ऊर्जा जो होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है उससे संबंधित कथन है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, ठीक है, जो उसमें निहित होती है। ये सही स्टेटमेंट हो गया। गिरता हुआ नारियल हो गया, ठीक है, उड़ता हुआ हवाई जहाज हो गया, बहती हुई हवा हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स हैं गतिज ऊर्जा के। ठीक, तो दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोटर गाड़ियां हैं तो उनमें जो साइड मिरर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो होता है आपका कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल होता है वो, उत्तल, ठीक है। और अगला देखते हैं, जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वो भी उत्तल दर्पण का होता है, उत्तल का, ठीक है, तो दोनों ही गलत है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश के तीन मूल रंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लाल, काला और हरा, गलत, कौन कौन से होते हैं, एक होता है लाल, एक होता है हरा और एक होता है नीला, ठीक है। और अगर चित्रकार के हिसाब से देखेंगे तो चित्रकार किसको मानते हैं, एक लाल को मानते हैं वो, एक नीले को मानते हैं वो और हरे की जगह पे वो पीले को मानते हैं, ठीक है, ये बेसिक कलर्स हैं उनके लिए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला देखते हैं, सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर क्या होता है कि सफ़ेद रंग का प्रकाश है जो उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, तो दोनों ही ये वाला स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ओनली टू, पहला वाला गलत है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास रखी हुई वस्तुओं को नहीं देख पाता, पास रखी हुई वस्तुओं को, ठीक है, तो नहीं देख पाता, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि पास की वस्तुओं को वो देख लेता है लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर अगर कोई चीज़ रखी है तो उसको वो स्पष्ट नहीं देख पाता, ठीक है, बाकी जो है पास की रखी हुई चीज़ों को वो देख लेता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक, तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब है जो रेटिना पर न बन के उसके आगे बनता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है ना, ऐसे होता है ना, तो रेटिना पे ना बन करके थोड़ा आगे बनता है, तो उसको आप क्या नाम है, लेंस लगा करके, कौन सा लेंस लगता है इसमें, अवतल लेंस लगता है, ठीक है, तो अवतल लेंस लगा करके मतलब कॉनकेव लेंस लगा के उसको पास बनाया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस से अवतल लेंस है जो उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, फोकस दूरी से के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका टू एंड थ्री, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समतल दर्पण है जो उससे बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, वस्तु के बराबर दिखाई देता है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और जो उत्तल दर्पण है उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से छोटा दिखाई देता है, ठीक, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल है, दोनों ही यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है जो वो कैसा बनता है, एक वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है तो वास्तविक बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, तो उल्टा बनता है, ठीक, और उसके अलावा छोटा बनता है या बड़ा बनता है, तो वो आपका छोटा बनता है, ठीक है, तो 1, 3 और 5 यानी बी आंसर। अगला देखिए, कथन है एक कि दंत विशेषज्ञ का जो शीशा होता है वो नातोदार शीशा होता है, मतलब कॉनकेव मिरर्स होता है, ठीक, तो ये सही है। और दूसरा इसका कारण है कि एक छोटी रेंज में भी ये अच्छी छवि प्रदान उत्पन्न करते हैं, ठीक, तो ये इसका कारण भी सही है, एक्सेलरेशन भी सही कर रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दोनों ही सही है और आर है जो वो ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है, तो ए आंसर यहाँ पर सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है, तो देखिए प्रिंटिंग प्रेस है वो आपकी जोहान्स गुटनबर्ग के साथ मैच करेगी, बैक्टीरिया है जो वो लिवन हॉक के साथ, ऑक्सीजन है जो वो आपका हेनरी कैवेंडिश के साथ, और आपका हाइड्रोजन है जो वो जोसेफ पिस्टले के साथ, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक, तो ये सभी सही मैच है, आंसर हो जाएगा ए।
अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए आइंस्टाइन को 1922 का जो नोबल मिला है वो किस चीज के लिए मिला है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला है, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या है जो आइंस्टाइन ने किसको आधार मान के किए? क्वांटम थ्योरी को आधार मान के किए, ठीक है। तो दूसरा यहां पर सही है, पहला गलत हो जाएगा, बी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए न्यूट्रॉन है जो वो कैसा है? उदासीन है, विद्युत उदासीन है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है, ठीक, ये भी सही है। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1932 में। किसने? जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक है। तो ये भी सही है, सारे फैक्ट्स हैं, याद रखें, डी आंसर। अगला देखें, जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबोया जाता है तो वस्तु के वजन में कमी आती है, जो उसके द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है, ठीक। कितनी बराबर होती है? जो उसमें से लिक्विड डिस्पर्स हुआ है उसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये विचार है जो किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन का है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जॉन डाल्टन थ्योरी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये है आपकी आर्किमिडीज थ्योरी, बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। अगला देखिए अग्नि 5 है जो उससे संबंधित कथन बताना है। अग्नि 5 जो है वो DRDO द्वारा विकसित सतह से हवा पर परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें यहाँ पर सही हैं, लेकिन जो यहाँ पर गलत है वो है आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट? क्योंकि इसे सरफेस टू सरफेस होना चाहिए था, ना कि सरफेस टू हवा, ठीक, सरफेस एस टू एस, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अग्नि श्रृंखला की मिसाइल 5000 किलोमीटर से दूर अधिक दूरी पर स्थित अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकती है, ठीक है। 5000 किलोमीटर बोल रहे हैं अग्नि 5 के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। दूसरा वाला है, पहला वाला गलत है, दूसरा सही हो गया, तो आंसर हो गया इसका बी। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माचिस की डिब्बी है जो उसकी सतह पर क्या होता है? रेड फॉस्फोरस लगा होता है, ठीक, सही है। और जब सतह से माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा एक चमकीली लौ के रूप में दिखाई देती है, ठीक। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर है यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। चंद्रयान 1 है जो भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन है, सही है, ठीक। और आपका जो इस मिशन में इसरो ने क्या, जो श्रीहरिकोटा है जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, श्रीहरिकोटा, ठीक है। और इसके जो सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, वहां से 22 अक्टूबर 2004, ठीक है, 22 अक्टूबर 2004 को चंद्रमा पर स्थापित करने हेतु भेजा गया था, ठीक। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि 2008 लिखा होना चाहिए यहाँ पर, लिखा कितना है 2004, ठीक। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत, ए आंसर। अगला देखिए अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित निम्नलिखित अनुसंधान स्टेशन है जो उनमें से उनके स्थापना वर्ष है जो वो उनमें से कौन सा ही समय लेते हैं? देखिए दक्षिण गंगोत्री कब हुआ? 83-84 में। मैत्री उसके बाद बनाया गया वहां पर 88-89 में। और भारती है जो वो 2012 में, अभी रिसेंटली क्या है 2012 में। तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2015 में आर्कटिक में भूतल वेधशाला जिसका नाम क्या था? इंडार्क की स्थापना की गई, ठीक है। और अंटार्कटिका के अनुसंधान स्टेशन में मैत्री और भारती, ठीक है, दोनों है जो वो वर्तमान में कार्यरत हैं, जबकि आपका जो दक्षिण गंगोत्री है ये आपका पूरी तरह से बंद हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार करें। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल है जो वो आपकी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और 2018 में क्या हुआ था कि भारत जब MTCR के ग्रुप में ज्वाइन हो गया तो उसके बाद जो इसकी ब्रह्मोस की जो रेंज थी 290 थी पहले, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 450 किलोमीटर, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर बढ़ाकर 650 लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसकी रेंज है जो 450 किलोमीटर की गई थी, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। एक चीज और कि जो ब्रह्मोस है इसका नाम है जो, वो भारत की आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है और रशिया की कौन सी? मस्कवा, ठीक है, मस्कवा नदी है जो, मास्कवा, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। इन दोनों के नाम की वजह से इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है। देखिए प्रहार है जो वो आपकी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है, और अस्त्र आपकी एयर टू एयर है, और पृथ्वी है जो ये भी
सरफेस टू सरफेस है, तो तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। और क्यों निश्चित होते हैं, सही स्टेटमेंट है, क्यों निश्चित होते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे स्टेटमेंट में यहाँ पर क्योंकि लगा लें बीच में, है ना, क्योंकि इंग्लिश में पढ़े तो बिकॉज लगा लें, उसके बाद कई बार क्या होता है नहीं पता होता, बट फिर भी फ्लो की वजह से वो सही हो जाता है आंसर। देखिए, ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्योंकि ठोस पदार्थों में परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वे एक दूसरे को मजबूती से बांधे रहते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित का मिलान करें, तो देखिए रेडियम आपका मैडम क्यूरी के साथ मैच करेगा, और क्वांटम सिद्धांत की खोज मैक्स प्लैंक के साथ मैच हो जाएगी, और आपका सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो वो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ, और हवाई जहाज राइट ब्रदर्स के साथ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, ए बी डी सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए, कैलकुलेटर की खोज किसने की थी, अल्बर्ट टेलर, नहीं गलत है, यहां पर अल्बर्ट टेलर नहीं होगा, यहां पर होगा बी पास्कल। ठीक है, बी पास्कल। उसका टेलीफोन की खोज मार्कोनी ने की थी, ये भी गलत है क्योंकि ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, ग्राहम बेल। और परमाणु सिद्धांत अल्फ्रेड नोबल, ये भी गलत क्योंकि ये जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, तो तीनों ही यहां पर गलत है, आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन की प्रकीर्णन को क्रोमटन प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी फोटोन को किसी पदार्थ पर डाला जाता है, ठीक है, तो फोटोन पदार्थ है जो वो इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और टक्कर के बाद फोटोन है जो उसका प्रकीर्णन होता है। ठीक है, स्कैटरिंग होती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। और दूसरा देखते हैं, क्रोमटन प्रभाव से एक्स रेज हैं जो किरणों में, उनकी जो वेवलेंथ होती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक, तो ये भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ग्रेफाइट है जो वो कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप, मतलब कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, तो सही है। और इनकी जो परतें हैं उनमें कौन सा फोर्स लगता है, वंडरवॉल फोर्स उपस्थित होने के कारण जो ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, नरम और स्नेहक, है ना, सॉफ्ट एंड लुब्रिकेटेड। ठीक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और इसके अलावा जो ये है जो विद्युत का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, कुचालक मतलब बैड कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर नहीं है ये, आपका गुड कंडक्टर है, यानी कि सुचालक है। ठीक, तो तीसरा गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है जो एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रक्रिया है जिसमें उच्च क्रियाशील धातुएं, मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है उनके ओर से, मतलब अयस्कों से अलग किया जाता है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, यह प्रक्रिया सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जैसे जो धातु हैं उनके अयस्कों को अलग करने में सहायक है। ठीक है, तो ये इसके अयस्क हैं जो उनको अलग करने में सहायक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, 24 कैरेट जो सोना होता है वो शुद्ध सोना माना जाता है और इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिलती है। ठीक, सही है। और 18 कैरेट है उसमें, उसका क्या कॉम्पोजिशन है, 75% उसमें सोना होता है और 25% उसमें अन्य धातुएं होती हैं जैसे कि तांबा चांदी एटसेट्रा। ठीक है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाले तत्व को घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए क्रम, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है, लगभग 60% के आसपास वहां पर ऑक्सीजन। उसके बाद सिलिकन मिलेगा 16-17% के आसपास, एल्युमिनियम मिलेगा वहां पर आपको 6-10% के आसपास। ठीक है, और उसके अलावा फिर लोहा है जो वो आपको लगभग 2-5% के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो ये सही क्रम है। ठीक है, याद रखें इस क्रम को, आंसर है इसका 1, 2, 3 और 4, ए आंसर। अगला देखिए, प्रयोग में लाए जाने वाले क्लोरीन उत्पादन के निम्न में से कौन से प्रकार है। क्लोरीन उत्पादन, ठीक है, मतलब क्लोरीनेशन है जो वो एक रोगाणु नाशक प्रक्रिया है। ठीक, क्लोरीनेशन सुना होगा आपने, ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखें क्लोरीनेशन। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन डील करेंगे। क्लोरीनेशन क्या होता है, एक रोगाणुनाशक प्रक्रिया है और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए जनरली इस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको कहाँ कहाँ ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्म में यूज करते हैं, किसको, क्लोरीन को। ठीक है, क्लोरीन की गोली आती है, सोडियम हाइपोक्लोराइट आता है। ठीक है, तो यही पूछा था इसमें कि प्रकार है जो, ठीक है, वो बताने हैं आपको, तो तीनों ही सही है, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पेयजल में पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थों की अत्यधिक मात्रा को कम करने में सहायक है। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है,
ठीक आसवन मतलब डिस्टिलेशन एक प्रोसेस हो जाएगा, और आपका आयन एक्सचेंज मेथड है जो वो भी एक प्रोसेस है जिससे क्या है कि पेयजल में घुले हुए ठोस पदार्थ मतलब जो टीडीएस होता है उसकी अत्यधिक मात्रा है जो वो हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि इन प्रोसेसेस से क्या होता है कि टीडीएस की मात्रा को कम किया जाता है। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस उसमें यूजफुल है। ठीक, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से कौन नाइट्रोजन उर्वरक है? अमोनियम सल्फेट नाइट्रोजन उर्वरक है, कैल्शियम साइनामाइड भी नाइट्रोजन उर्वरक है, और यूरिया भी है। ठीक है, तो तीनों के नाम याद रखें, नाइट्रोजन उर्वरक है। ठीक है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखें इनको तीनों को, आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्नों में संरक्षण में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, देखो फूड प्रिजर्वेटिव्स के रूप में कौन से यूज होते हैं? सोडियम बेंजोएट यूज होता है, सोडियम क्लोराइड यूज होता है, और विनेगर भी यूज होता है। ठीक है, तो तीनों का नाम याद रखें, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लोरीन का उपयोग पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसकी खोज है जो 1774 में शीले ने की थी। ठीक है, क्लोरीन का उपयोग है ना, अभी हमने पहले भी क्लोरीनेशन डिस्कस किया, तो सही स्टेटमेंट है दोनों, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, घाव का अध्ययन क्या होता है? ऑन्कोलॉजी, गलत हो गया। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या होता है? ट्रोमेटोलॉजी, ये भी गलत हो गया। दोनों ही इंटरचेंज्ड हैं आपस में, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी और कैंसर के ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। ठीक है, त्वचा के रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ये वाला सही है, तो आंसर हो जाएगा तीन। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, नेफ्रॉन है जो वो तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, और नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है? मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना। तो दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही है जो नेफ्रॉन नहीं, यहाँ पर न्यूरोन्स होना चाहिए। ठीक है, न्यूरोन्स, ठीक है, न्यूरोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सही है। नेफ्रॉन तो किडनी का में आता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व तथा खनिजों का अधिकांश मात्रा बड़ी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बड़ी आंत द्वारा नहीं अवशोषित किया जाता, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक, तो ये गलत हो गया। और हमारे शरीर की जो छोटी आंत है उसका लगभग 6 मीटर लंबी होती है और अत्यधिक कुंडलित मतलब हाईली कॉइल्ड होती है ना, इस फॉर्म में आपने देखा होगा फोटो में, है ना, डायग्राम का जो फोटो होता है उसमें दिखता है। ठीक है, तो ये वाला आपका सही है, पहला वाला गलत, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यकृत है जो वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती है। जितनी बॉडी को नीड है कोलेस्ट्रॉल की, उतनी क्या है लिवर आपका फैट को तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल बना लेता है। ठीक, तो सही स्टेटमेंट है। और कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड भी है, क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, यकृत से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सत्य है? देखिए, शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक भाग लिवर होता है। ठीक है, और इसका अंग है जो वो सबसे अधिक भारी होता है। कितना होता है? लगभग 1.6 किलोग्राम। ठीक है, और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है, मतलब फोर ब्रेन की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं इसके? सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस, तीन इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, सही है। मेडुला है जो वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, पोस्टीरियर ब्रेन का। ठीक, तो ये भी सही है। और उसके बाद मेडुला है जो वो भोजन निगरण मतलब निगलने के लिए, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर, प्रबलता, इन सब चीज के लिए मेडुला है जो वो आपका केंद्र, नियमित केंद्र होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। और उसके बाद हाइपोथैलेमस, जिसके भी हमने बात की, वो क्या? भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप, इन चीजों को नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी, सभी यहाँ पर सही है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आरबीसी है जो वो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन को लेकर के सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, ये फैक्ट है, कई सारे देखिए फैक्चुअल स्टेटमेंट, और जो कि आपके क्या नाम डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं साइंस में स्पेशली। ठीक है, तो बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें नहीं पूछा जाता, तो ध्यान रखें इनका। ठीक है, इनका जीवन है जो वो कितना होता है? 60 दिनों के तक का होता है। नहीं तो ये गलत है, इनका जीवन है जो आरबीसी का कितना होता है? 120 डेज का। और प्लीहा मतलब स्प्लीन में इनका विनाश हो जाता है, ये वाला आपका सही है। तो 1 और 3 यानी सी आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत सरकार ने अनुवांशिक रूप से, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनमें से कॉमर्शियली जो अलाउ किया था वो कौन सा था? बीटी कॉटन। ठीक है, सही है। और भारत सरकार ने वर्ष 2002 में इसकी अनुमति दी थी, ये भी सही है। ठीक है, और बीटी कॉटन है जो, उसको अमेरिका स्थित एग्रोकेमिकल मल्टीनेशनल कौन सी कंपनी है? मोनसेंटो। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो मोनसेंटो द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तीनों फैक्ट्स हैं, याद रखें, डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुछ पौधों की पत्तियां रूपांतरित होकर विशेष प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं जिसकी सहायता से वे कीटों को पकड़कर नाइट्रोजन की पूर्ति करती हैं। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। और डहेलिया एक ऐसा जलीय पौधा है जिसकी कुछ पत्तियां फूलकर थैली के जैसी संरचना बनाती हैं और कीटों को अपने अंदर फंसा लेती हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि वो डहेलिया नहीं है, वो है कौन सा? यूट्रिकुलेरिया। कौन सा? यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, याद रखें, इसका नाम यूट्रिकुलेरिया है वो, जो थैलीनुमा संरचना बनाता है और कीटों को अपने अंदर फंसा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा, दूसरा गलत, ए आंसर। और अगला देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मांसाहारी होने के कारण शेर की छोटी आंत है जो बहुत बड़ी होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि शेर में छोटी आंत है जो बहुत छोटी होती है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत छोटा होता है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अब क्यों होता है? देखिए, मांसाहार में छोटी आंत की लंबाई है जो शाकाहारियों की तुलना में अधिक होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ, शाकाहारियों में जो छोटी आंत है, ठीक है, उसकी लंबाई है जो मांसाहारियों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, और क्यों होता है ऐसा? जिससे कि ये लोग सेलुलोज का पाचन किया जा सके। किसका? सेलुलोज का। ठीक है, तो दोनों ही गलत है, डी आंसर हो जाएगा। अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।